I think last year, Christmas at my house, people enjoyed the vegetarian food more because मैंने तो मम्मा के लिए बनाया था उससे पिछली बार एवरीबडी सेड कि वो वील हैव दैट सी सो वी हैड गोभी मसालम सो वी हैड अ फुल गोभी वी मैरिनेटेड दैट 2003 में मेरे ख्याल में एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो उन्होंने बर्फ़ गिरी तो उन्होंने कहा था भैया बर्फ़ उठा दो फिर उनकी वाइफ ने कहा नहीं बर्फ़ में उठाओ इसको वो स्नोमैन बना दो तो मैंने स्नोमैन बना दिया था उसको मेरे को याद है हाय मैं हूं शेफ विकास खन्ना एंड यू आर हियरिंग मी एंड वॉचिंग मी ऑन पिंक विला 2000 में मैं एक होमलेस शेल्टर में रहता था अमेरिका में ऑन क्रिसमस एंड फॉर मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई ऑन 23rd आई ऑलवेज फ्लाई टू न्यूयॉर्क टू बी विद दोज पीपल बट समटाइम्स आई इवन फ्लाई माई मॉम एंड माई फैमिली विद मी टू दैट एंड वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई वॉज थिंक आई स्टिल फील आई वॉज वन द लोएस्ट इन माई लाइफ एंड उस दिन मुझे शेल्टर मिला वहाँ पर गर्म खाना मिला वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट मेरे लिए लाइफ लेसन था Temperature. Sometimes, you know, we've done mistakes in the batters when we were learning cooking. If you understand how to control the temperature, you can actually make dishes. It's amazing. But cooking is so much about precision in baking that aapko exact wahi matra mein dalna hai, sab kuch dalna. If you just follow a good recipe, you can get absolutely perfect results. I think last year, Christmas at my house, people enjoyed the vegetarian food more because मैंने तो मम्मा के लिए बनाया था उससे पिछली बार एवरीबडी सेड कि वो वील हैव दैट सी सो वी हैड गोभी मसालम सो वी हैड अ फुल गोभी वी मैरिनेटेड दैट विद वेरी इंटरेस्टिंग मसालास एंड देन वी रोस्टेड इट इन तंदूर अब वो पूरा का पूरा वो पूरा रोस्ट की तरह जैसे वहाँ चिकन पड़ा था और यहाँ पे पूरी की पूरी गोभी पड़ी थी एंड पीपल लव्ड इट बिकॉज इट वॉज लाइक टोटली न्यू टेक्स्चर टू गोभी वी डिड समथिंग अमेजिंग वी डिड बैंगन कचरी होती है बैंगन कचरी सर्दियों में बनती थी घर में वो बैंगन को बारीक बारीक काट के उसको थोड़ा सा आप आटा लगा के सिर्फ आटा नमक मिर्च लगा के थोड़ी देर के बाद एकदम नहीं थोड़ी देर के बाद लगाने के बाद क्योंकि वो पानी छोड़ेगा उसी के अंदर वो चिपक जाएगा तो उसके बाद वो जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा तेल डाल के नॉन स्टिक में कैन फ्राई सो वी यूज टू हैव स्टैक्स ऑफ दैट इज नाइस टोमेटो पिकल सो मुझे लगा कि बहुत सारी वैराइटीज है अब कद्दूओं का मौसम चल रहा है स्क्वाशेस का मौसम चल रहा है यू कैन जस्ट कट इट एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ योर स्पाइसेस टू इट लहसुन और अदरक डाल के हरी मिर्च थोड़ी सी डाल के यू कैन एक्चुअली रोस्ट इट विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग सो आपके पास जो सेंटर जो साइड चीज़ें थी आपको जो क्रिसमस पे दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन विद विद एवरीबडी एल्स हाँ ग्रेनोलाज विद लेस शुगर मैं वही देता हूँ मैं वही मेरे बैग में अभी भी देखो मैं लैपटॉप बैग में ग्रेनोला बार्स हमेशा होंगी विच समटाइम्स इफ आई गेट टाइम आई मेक इट माई सेल्फ बट आई डोंट लाइक टू ऐड टू मच शुगर और स्टफ टू इट फ्रूट केक डेफिनेटली द प्लम केक और फ्रूट केक जो जो भी हो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू नो इन आई थिंक 2013 समबडी आस्क्ड मी दैट इज देयर अ वे यू कैन मेक दिस प्लम केक वेजिटेरियन एंड वी डिड ट्राई अ रेसिपी एंड इट वर्क्ड वेल दही बेस्ड था उसका एंड वी डिड ट्राई वेल वी फाउंड अ रेसिपी विच वी वर्कड ऑन फ्यू टाइम्स एंड वी हैड एब्सोल्युटली परफेक्ट ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी अमेजिंग आई हैव मेरी तो रेसिपी लंबी इतनी होती हैं रेस्टिंग वाले बट वी यूज टू सोक देम विद इन एल्कोहल फॉर फ्यू वीक्स योर ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल बट बिकॉज आई सोक द एल्कोहल इन इट बट व्हेन आई वाज डेवलपिंग दिस रेसिपी इट वाज लाइक बिकॉज समबडी हैड रिक्वेस्टेड मी सो वी एक्चुअली सोक देम इन वी पुट देम इन द फ्रिज आफ्टर दैट आफ्टर सोकिंग देम वी पुट लिटिल बिट ऑफ एप्पल जूस एंड वी पुट लिटिल बिट ऑफ अनार का जूस एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर अस दैट We tried to create, not the similar, but we tried to create a little taste out of them. And then it's just a very simple batter, which is almost like a pound cake. Almost like a pound cake, means same matra of weight by eggs, maida, makhan, and sugar. So we said, okay, let's do this. And we started substituting ande with hung yogurt. And that also worked. So For one cup, you used 1 teaspoon of baking powder and 1/2 teaspoon of baking powder, a baking soda. So, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी work करती हैं because I love to put, कि अगर मैदा 1 cup है तो मैं उसमें आधा कप ज्वार का आधा आटा डाल दूँ या फिर होल व्हीट आटा यूज़ कर लूँ And people are scared sometimes कि यार मैं आटा इसको चेंज कर रहा हूँ You need little आटा for that gluten to hold it together. But it is amazing that you can actually substitute 25% तक मेरे पास कभी गलती नहीं हुई अगर मेरे पास 1 cup पैदा और 1/4 cup में उसका मैदे को निकाल के उसमें ज्वार का आटा डाल दूँ या बाजरे का आटा डाल दूँ या फिर अभी तो कितनी तरह के आटे मिलने शुरू हो गए हर जगह पे कि आप ओट्स का आटा डाल सकते हैं आप थोड़ा सा
which I think is amazing, a regular atta dal sakte hain, which is, I think now with experimentation in the kitchens and, you know, having people who test your recipes and work with you, so we can actually figure out a way to make it a little healthier, and you can also make it a little more delicious. It's amazing. I was born and raised in Amritsar for 30 years. So 30 saala wahan pe ho, to aapki bhasha, aapki behavior bahut influence hota hai ek shehar se. But then I went to America and you just Indian. You're Indian first, and we are plural in so many ways. Ki hamari bhasha hai, hamare accents, hamari language, hamara khana, hamare kapde, hamara music, sab bahut zyada multicultural hai within its own fabric, and which I absolutely love the diversity, and that is what makes it so interesting for me. Gingerbread cookies, because ab dekho wo thodi der baad gum ho jayengi, abhi aayengi aur fir gayab ho jayengi. So I think it's very interesting ki ye cheeze jo aap pura saal reinvent karke kuch na kuch kar sakte hain, that you have them just on the special occasions. 2003 mein mere khayal mein ek restaurant mein kaam karta tha, to unhone barf giri to unhone kaha tha bhaiya barf utha do, fir unki wife ne kaha nahi barf mat utha, isko wo snowman bana do. मैंने स्नोमैन बना दिया था, उसको मेरे को याद है, एक गोल फिर ऊपर फिर उसको स्काफ डाल दिया था. दैट्स आई थिंक 2002 और 2003. मेरा एक खाने के अलावा पैशन ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग एंड राइटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, इतनी ऑलमोस्ट 40 किताबें लिख चुका हूँ. तो मेरा सबसे बड़ा पैशन है मूवी मेकिंग. इट्स अ रिलीफ फॉर मी. सो माई लास्ट मूवी वॉज द लास्ट कलर, विच वॉज फीचरिंग नीना गुप्ता जी, एंड इट्स डन वेरी वेल. वी विन मोर देन 40 फिल्म फेस्टिवल्स इन अमेरिका एंड यूरोप. मामी में ही इंडियन प्रीमियर हुआ उसका, एंड वी वन मोर देन 20 अवार्ड्स इन US, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा जो आपके लिए एज अ शेफ़ है, वो रंग है. कि खाने की रंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है खाने का. एंड व्हेन आई वाज इन वृंदावन, आई सॉ दैट होल थिंग ऑफ होली एंड कलर्स एंड विडोज, एंड आई लव्ड इट व्हेन दे वर प्लेइंग विडोज. सो उससे इंस्पायर होकर पूरी मूवी बनाई है हमने, एंड hopefully you get to watch it sometime soon. Wishing all the people who are watching Pink Villa a very Merry Christmas and a Happy New Year 2020. This year has to be about the family, like every year.